हेलो फ्रेंड्स, आज से हम सिक्स क्लास का सिलेबस कंप्यूटर का स्टार्ट करेंगे। हमारा सिलेबस है जैसे कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम कंप्यूटर क्या है, उसके पार्ट्स क्या हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड है कंप्यूटर मेमोरी, कि जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी क्या होती है, उसके बारे में। देन क्रिएटिंग टेबल इन एम एस वर्ड के अंदर हम टेबल है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। Getting started with Microsoft Excel 2010. Editing worksheet data in Microsoft Excel. MS PowerPoint introduction पढ़ेंगे उसका। Overview of internet, email, computer virus and their effect. कि computer के जो virus हैं वो क्या होते हैं, computer virus क्या होते हैं और effect क्या क्या होते हैं उनके। Then प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स। ये हमारा सिलेबस है, सिक्स्थ क्लास की ये बुक है। एक एक करके हम सभी के सभी नौ चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है हमारा कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट, कंप्यूटर और उसके पार्ट्स, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके डिसएडवांटेज क्या है उसके बारे में। इनपुट डिवाइस सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर है उसके फीचर्स और पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर है उसके क्या पार्ट्स हैं वो। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, मेमोरी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्या है, द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, कि जो कंप्यूटर जो शब्द है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, कंप्यूट से, जिसका मीनिंग है टू कैलकुलेट, ठीक है। कंप्यूटर कहाँ से ड्राइव हुआ है, कंप्यूट से, जिसका मतलब क्या होता है कैलकुलेट, ठीक है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डाटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव्स रिजल्ट एज आउटपुट। क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या देता है, इनपुट लेगा, फिर प्रोसेस होगी, उसके बाद हमें क्या देगा, आउटपुट देगा, मतलब रिजल्ट देगा, ठीक है। इट कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपेयरिंग अल्फाबेटिकली सीक्वेंस। क्या बोल रहा है कि ये क्या क्या करेगा, मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होती है हमारी वो सब करेगा। ऐड करना किसी भी नंबर्स को, दो या दो से ज़्यादा को, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो या डिवीज़न करना हो, और ये क्या करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन के ऊपर भी काम करेगा, मतलब अल्फाबेटिकली जो सीक्वेंस है उसको कंपेयर करने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन विच एक्सेप्ट डाटा इन इट्स रॉ फॉर्म अलोंग विद द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस इट इलेक्ट्रॉनिकली एंड गिव्स बैक यूजफुल इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है जो एक्सेप्ट करता है डाटा को इन इट्स रॉ फॉर्म, रॉ के फॉर्म के अंदर, अलोंग विद द इंस्ट्रक्शन, कि जो इंस्ट्रक्शन है उसकी रॉ के फॉर्म के अलोंग करेगा, प्रोसेस करेगा इलेक्ट्रॉनिकली और हमें क्या देगा, यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा। जैसे फर्स्टली इनपुट देंगे हम, इनपुट किसकी हेल्प से देंगे, कीबोर्ड की हेल्प से, माउस की हेल्प से, है ना, और प्रोसेस होगी उसके बाद देन आउटपुट आ जाएगी। जैसे अब देखो फिगर के अंदर देखो आप, ये क्या है, एक सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है और मॉनिटर है, ठीक है। जैसे हम जूस निकाल रहे हैं उसके अंदर हमारी जो इनपुट है वो क्या होगी, फ्रूट्स होंगे, प्रोसेसिंग क्या होगी, वो उसको मशीन क्या करेगी, ग्राइंड करेगी, उसके बाद आउटपुट मिल जाएगा, क्या मिला हमें, जूस मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है फीचर ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है उसके फीचर्स क्या होते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज, मेमोरी या कंसिस्टेंसी और कम्युनिकेशन
नेक्स्ट है हमारा रियलिबिलिटी, ऑटोमेशन और वर्सेटाइलिटी। ठीक है, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होती है? इट परफॉर्म हाई लेवल कैलकुलेशन इन फ्यू सेकंड्स, कि मतलब हमारी जो हाई लेवल की जो कैलकुलेशन है उनको इजिली कुछ सेकंड्स के अंदर क्या कर देती है, परफॉर्म कर देती है, सोल्व कर देती है। द स्पीड ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ MIPS, कि हर एक कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड है उसको हम मेज़र किस में करते हैं, MIPS के अंदर। M मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी MIPS की फुल फॉर्म है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारा एक्यूरेसी। कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डाटा एक्यूरेटली, कि जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस को क्या करेगी, एक्यूरेटली प्रोसेस करेगी उस डाटा का, है ना। द कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक, जो कंप्यूटर है वो किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक नहीं करेगा। वंस द राइट इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन, द चांस ऑफ द कंप्यूटर मेकिंग मिस्टेक इज वन ऑफ वन इन ए मिलियन और इवन एल्स। क्या होगा, जिस हमने कोई भी इंफॉर्मेशन दी वो बहुत ही रेयर चांसेस हैं उसके अंदर कोई मिस्टेक मिलेगी। ठीक है, मतलब कि हमने कोई भी डाटा दिया उसका प्रोसेस क्या होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज या फिर मेमोरी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ द कंप्यूटर इज इट्स स्टोरेज, कि जो सबसे जो महत्वपूर्ण क्या है, क्वालिटी है कंप्यूटर की, वो क्या है, उसकी स्टोरेज है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर, कि किसी डाटा की या इंफॉर्मेशन की कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज है वो अलाउ रिडक्शन ऑफ पेपर फिलिंग एंड अदर मुंडेन टास्क। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कंसिस्टेंसी। द कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कि इसके अंदर क्या होता है कि कंप्यूटर वो कभी भी नहीं थकता। अब देखो कोई आदमी है वो काम करेगा, एक घंटा लगातार कर लेगा, दो घंटे कर लेगा या पांच कर लेगा, उसके बाद वो थक जाएगा ना, उसको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। लेकिन मशीन क्या है, एक जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है, एक उसको रेस्ट की जरूरत नहीं होती, वो कभी भी टायर्ड नहीं होता, मतलब थकता नहीं है उसका। हम कंटिन्यूसली 24 hours या 48 hours ऐसे क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर हमें काम कर सकते हैं। ठीक है, आई गिव्स कंसिस्टेंसी गुड परफॉर्मेंस hour आफ्टर hour। ठीक है, घंटे के बाद घंटे पर हम इनका क्या करेंगे, इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन। टुडे कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, आज के टाइम के अंदर क्या होता है कि जो कंप्यूटर है एक दूसरे के साथ क्या करता है, कम्युनिकेट करता है एंड शेयर द इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करता है। दिस इज पॉसिबल थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया सच एज मॉडर्म्स, टेलीफोन लाइन्स, सैटेलाइट्स एटसेट्रा। ठीक है, विच आर यूज टू कनेक्ट वेरियस कंप्यूटर विद ईच अदर, इनके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, बहुत सारे कंप्यूटर की क्या है कि वेरियस कंप्यूटर की, किसी कंप्यूटर की जरूरत होती है जो एक दूसरे के साथ क्या करेगी, उनको कनेक्ट करेगी। दिस कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज नेटवर्किंग, उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। टुडे इंटरनेट इज ए पॉपुलर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स दैट लिंक्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टूगेदर ग्लोबली। क्या बोल रहा है कि आज के टाइम के अंदर जो इंटरनेट है वो क्या है, इतना फैल गया है कि एक नेटवर्क के साथ मिलियंस कंप्यूटर को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, रिलायबिलिटी,